गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस आज मैं अकेले सफ़र कर रही हूँ फ्लाइट में। मैंने पहले भी किया है पर वो हस्बैंड के साथ किया है और आज मैं अकेले कर रही हूँ। और क्योंकि पहले हस्बैंड होते तो मैंने ये चीज़ों को इतने गौर से नहीं देखा था, तो आज अकेले कर रही हूँ और टेंशन भी हो रही है और नर्वस भी हूँ। देखते हैं क्या क्या होता है यहाँ पर, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को भी, मिलते हैं कुछ देर बाद। सो गाइज़ मैं ना आज घर जा रही हूँ और दिवाली भी आने वाली है तो घर जाना तो बनता ही है फेस्टिवल पे। और गाइज मुझे ना गेट नंबर मिल गया है, ये देखो। तो अब जा रही हूँ अपने गेट नंबर पे, मुझे अब अपना गेट नंबर ढूंढना है। ओके गाइज मैंने चेक इन कर लिया है और तलाशी भी हो गई है मेरी सब कुछ, और बैग भी चेक हो गया, बेट भी हो गया। तो मैं अपना गेट नंबर 4 ढूंढ रही हूँ, ये बोर्डिंग गेट 4। तो चलिए चलते आ गया, मैं लिफ्ट से ऊपर जा रही हूँ अपने गेट के पास। और गाइज ये रहा मेरा गेट नंबर 4 सामने, ये है मेरा लगेज और ये है मेरी टिकट। गाइज मैंने ना अपना काम जल्दी जल्दी से किया और अपने गेट नंबर पे पहुंच गई और बहुत ही जल्दी पहुंच गई। अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है, 9:55 पे मेरी बोर्डिंग स्टार्ट है और 10:30 बजे मेरी फ़्लाइट यहाँ से टेक ऑफ हो जाएगी। गाइज मैं ना ऐसी टेंशन में आ गई थी कि पता नहीं क्या होगा, और पहले तो पता नहीं लगा शुरू में, फिर भी देखती रही क्योंकि पता है ना पहले भी आई हूँ, पर पहले इतनी गौर से चीज़ों को नहीं देखा था क्योंकि साथ में हस्बैंड होते थे तो उनके साथ चलती रहती थी। तो आज अकेली हूँ मैं, तो आज टेंशन भी थी थोड़ी सी और दिन में सोना चाहा तो नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि पूरी रात अब सफ़र ही है मेरा, मतलब पूरी रात जगना ही है। 2 फ्लाइट कनेक्टेड फ्लाइट है मेरी, एक यहाँ से लेके विशाखापट्टनम से दिल्ली और दिल्ली से चंडीगढ़, तो बीच में ब्रेक भी है 3-4 घंटे का। मैं ना नीचे वीडियो नहीं बना पाई जब मैं चेक इन कर रही थी क्योंकि वहाँ यहाँ पे ना ये छोटा एयरपोर्ट है, यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं होता है, आदमी नहीं होते, कम होते हैं यहाँ पे, तो वीडियो नहीं बना पाई मैं अकेली। तो जल्दी से मैंने अपना काम किया और निकली आगे और फिर अपना गेट नंबर ढूंढा और बहुत जल्द पहुँच गई मैं अपने गेट नंबर के पास। मेरा गेट नंबर सामने लगा हुआ है, अभी स्क्रीन पर दिखेगा विशाखापट्टनम टू दिल्ली, तो अभी आया नहीं है क्योंकि 9:55 पर स्टार्ट है तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। तो मैं बैठी हूँ यहाँ पर, लोग भी बैठे हैं यहाँ पे, अभी दिखाती हूँ मैं। ये है मेरा गेट नंबर 4 और ये सामने स्क्रीन LED ये वाली, यहाँ पे आएगा विशाखापट्टनम टू दिल्ली। देखो बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे ना हर एक चीज़ अवेलेबल होती है। सामने देखो टी शर्ट पे रखी हुई है, कपड़ों की शॉप है और यहाँ पे मतलब कॉस्मेटिक का सामान भी होता है, सब कुछ होता है। तो यहाँ आके आप कुछ भी परचेज़ कर सकते हो और यहाँ पे खाने पीने की फुल व्यवस्था है, पर महंगा मिलता है यहाँ का खाना, तो मैं तो खुद बना के लाई हूँ घर से, मतलब अपने रूम से। अब घर जा रही हूँ मैं आज। ये मेरी फ़्लाइट इंडिगो में जाऊँगी मैं, और इंडिगो का ना स्टाफ ही बहुत अच्छा होता है। और गाइज सामने देखो हैंडबैग रखे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और ब्रांडेड होते हैं। और गाइज मैं ना घर जा रही हूँ, और क्योंकि मुझे पता था ना मैं अकेले ट्रैवल कर सकती हूँ फ्लाइट में, तो इसलिए हस्बैंड ने भेज दिया अकेले ही, तो अच्छा भी लग रहा है क्योंकि मैं फ्लाइट में जाने का मौका मिल रहा है फिर से। तो नाइट में मेरी फ़्लाइट 9:55 और 12:30 बजे दिल्ली रात को, और उसके बाद जाऊंगी फिर मैं वहाँ से, मेरी दूसरी फ़्लाइट है टर्मिनल 1 से, तो वहाँ जाऊंगी फिर मैं। तो फिर सुबह के 5 बजे मेरी वहाँ से फ़्लाइट है चंडीगढ़ के लिए और 6 बजे तक मैं चंडीगढ़ पहुँचाऊँगी, तो मिलते हैं फिर चंडीगढ़। विशाखापट्टनम टू दिल्ली ये फ़्लाइट मुझे टर्मिनल 2 में पहुँचाएगी और उसके बाद जाऊँगी मैं बस में या कैब बुक करके, फिर जाऊँगी मैं टर्मिनल 1 पर, वहाँ से मेरी दूसरी फ़्लाइट है चंडीगढ़ के लिए। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद जब मैं, अभी मेरी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। गाइज मैं ना अभी चार्जिंग पॉइंट में खड़ी हूँ, फ़ोन को चार्ज कर रही हूँ। वैसे तो बैटरी 89% थी, तो सोचा कि थोड़ी और लगा लेती हूँ, फुल कर लेती हूँ। ये सामने मेरा गेट 4 है तो बोर्डिंग स्टार्ट होगी तो दिख जाएगा, तब तक मैं चार्जिंग लगा लेती हूँ क्योंकि चार्जिंग की ना रास्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो कर लेती हूँ फुल, मिलते थोड़ी देर के बाद। और अब धीरे धीरे लोग आना भी स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि बोर्डिंग का समय हो गया है। और गाइज ये देखो सामने 6C 2772
ये मेरी फ़्लाइट का नंबर है जो कि दिल्ली जा रही है, दिल्ली बोर्डिंग कंप्लीट हो गया है और अब जा रही हूँ मैं अपनी फ़्लाइट की तरफ। और पीछे से देखो और भी लोग आ रहे हैं, तो आज मैं फ्लाइट में बैठने जा रही हूँ वो भी अकेले, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है और टेंशन भी है क्योंकि आगे दिल्ली में कुछ मुझे अलग टर्मिनल में जाना पड़ेगा, इसीलिए ये है आगे का व्यू और ये साइड का। गाइज मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, वैसे इतना भी मुश्किल नहीं है फ्लाइट में अकेले ट्रैवल करना, सब कुछ पता लग जाता है एयरपोर्ट में आके क्योंकि मैंने पहले भी ट्रैवल किया है ना, इसलिए ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, सब कुछ इजीली हो गया। वाह ये देखो गाइज आगे बुद्ध भगवान, ये देखो आगे मेरा एयरक्राफ्ट लगा हुआ है, मैं बहुत ही नज़दीक हूँ। गाइस देखो फाइनली मैं अपने जहाज़ के अंदर पहुँच चुकी हूँ, ये देखो अब मुझे अपनी सीट नंबर देखनी पड़ेगी जल्दी से। लगेज रख दिया है और मैं अपनी सीट के पास पहुंच चुकी हूं और अब बैठने जा रही हूं। यह है मेरी सीट नंबर और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ना मैं आप लोगों को विंडो से बाहर का व्यू दिखाऊंगी। और जहाज जब चलने लगता है ना, रनवे पर दौड़ता है, तो उससे पहले इसको बांध मतलब इससे अटैच करना पड़ता है, सिक्योरिटी बांध रही है। और अभी मैं तो वेट करूँगी कब मेरा जहाज़ रनवे पे दौड़ेगा और कब लैंड करेगा। जब रनवे पे जहाज़ दौड़ता है ना तो बहुत मज़ा आता है, और फिर एकदम से ऊपर उठ जाता है ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। गाइज यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है विमान के उड़ान भरने और उतरने से पहले, ये देखो आपको अपनी सीट बेल्ट बांध लेनी है। आपातकालीन प्रक्रिया में ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल करें, यूजिंग द ऑक्सीजन मास्क, ये देखो सुरक्षात्मक प्रक्रिया ये वाली, और ये वाली है यदि कैबिन में धुआं भर जाए तो इमरजेंसी एस्केप पाथ मार्किंग सिस्टम आपको बाहर निकालने में सहायता करेगा। विमान को छोड़ना, निकास द्वार, सब कुछ है, मतलब पूरी जानकारी दी गई यहाँ पे। गाइस मैं ना इस सीट पे अकेली हूँ, ये देखो ये दोनों सीटें खाली है मेरे पास, किसी ने बुक नहीं की है वाली, और सामने भी नहीं की है किसी ने बुक, यहाँ जैसे आगे और एक और है अंकल, वो भी अकेले बैठे हैं। अकेले बैठने का भी अलग ही मज़ा है। आपातकालीन आप रक्षा जैकेट में हवा भर लें, यदि आप ओवरविंग द्वार से बाहर निकल रहे हैं तो रक्षा जैकेट में। गाइस जब जहाज ना रनवे पे दौड़ता है ना स्पीड से और एक उड़ान भरता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखो विशाखापट्टनम का पूरा शहर, ये है नाइट व्यू, और रात का सफर करने में ना बहुत मजा आता है जहाज में। गाइस मैं अब साथ में आसमान पे उड़ चुकी हूँ और फ्लाइट में लाइट ऑन हो गई है और फिर से बंद हो जाएगी। और गाइस नीचे ना वाइजा का शहर दिखाई दे रहा है और गाइस बहुत मजा आ रहा है, मैं तो पूरी इंजॉय करती हूँ फ्लाइट में। और लोग तो कोई ना अपने लोग को ना डर जाते हैं और मैं तो विंडो से नीचे दिखती जाऊँगी, दिखाती हूँ आप लोगों को नीचे कभी अगर दिखाई दिया तो। ये देखो गाइस अभी भी नीचे लाइटिंग वगैरह दिखाई दे रही है, और गाइस आधे से ज़्यादा लोग ना सो गए हैं, ये देखो सामने दिखाई दे रहा है ढंग से।
गिलास है ना, अब मैं इसको यहाँ सामने रखूँगी। अभी दिखाती हूँ कहाँ रखूँगी मैं इसको। इसको मैं यहाँ पे रखूँगी ऐसे। कुछ खाना पीना चाहते हो तो इसको ऊपर खा सकते हैं, ऐसे कंफर्टेबल होता है। और गाइस यहाँ पे ना मैं अब अपना चश्मा रख दूँगी और साथ में मोबाइल भी रख दूँगी, थोड़ी देर अब सो लेती हूँ यहाँ पे। काफी नजदीक है ये देखो गाइस, हमारा जहाज अब लैंडिंग पॉइंट पे रनिंग करते हुए टर्मिनल 2 पर पहुंच गए हैं। धन्यवाद लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव अराइव्ड इन दिल्ली इन टर्मिनल 2। थैंक यू। प्लीज चेक द सीट पॉकेट फॉर एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स लाइक ईयरफोन्स और स्पेक्टेकल्स। डू रिमेन सीटेड अंटिल द एयरक्राफ्ट। सो गाइस फाइनली अब हम दिल्ली में लैंड कर चुके हैं। स्वागत है मेरा दिल्ली में, दिल्ली पहुंच गई। तो अब आगे का सफ़र तय करते हैं। अभी मुझे जाना है यहाँ से टर्मिनल 1 में और हमारा जहाज़ लैंड हुआ है टर्मिनल 2 में। तो चलिए चलते हैं। चलिए गाइस अब चलते हैं बाहर, और बाहर हमारी बस हमारा वेट कर रही है। हमें पैदल ना चलना पड़े इसलिए हमें एयरपोर्ट तक ले जाएंगी। और गाइस फाइनली ये आ गई हमारी इंडिगो की बस, और ये ले जाएंगी हमें आगे एयरपोर्ट तक जो कि यहीं सामने होता है। एक दो मिनट में पहुंच जाते हैं और हमें पैदल चलना नहीं होता है, ये बस हमें वहां तक पहुंचा देती है। और सीट देखो पीछे खाली है, बहुत ज़्यादा सीटें। तो चलिए यहाँ पे बैठ जाती हूँ आगे जैसे। और अब हमारी बस हो गई है बिल्कुल फुल, तो चलिए चलते हैं। गाइस अब बैठती हूँ मैं बस के अंदर। मुझे एयरपोर्ट के बाहर जाना है, तो जहाँ पे एग्जिट लिखा है उसके सहारे बाहर चलते हैं। दिखाई उसे, तो ये है बाहर का रास्ता। बाहर से फिर मुझे एक और बस पकड़नी है या फिर ओला कैब करनी है। गाइस मुझे ना एयरपोर्ट से ओला कैब बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर ही मतलब बाउंड्री के अंदर ही शटल बस आ जाती है, और वो भी फ्री टिकट। और इनका काम होता है यात्री को टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 तक पहुंचाना। और गाइज मुझे ना रात को सफ़र करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई फ़्लाइट से, और सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। और गाइज अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे क्लोज़, और मिलते हैं इसी ब्लॉग के अगले पार्ट 2 में।